कर्नाटका में माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की तरफ से फ्री में मोरारजी देसाई स्कूल्स के एप्लीकेशन सब ओपन कर दिए गए हैं। मोरारजी देसाई स्कूल के साथ साथ में गवर्नमेंट मुस्लिम रेसिडेंशियल स्कूल और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम रेसिडेंशियल स्कूल, ये सारे स्कूल्स के भी जो है ना एप्लीकेशन अब ओपन हो चुके हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये स्कूल में आपका बच्चा 6th क्लास से लेकर 10th क्लास तक CBSE बोर्ड में फ्री में पढ़ सकता है और साथ में उसको हॉस्टल की रहने की फैसिलिटी भी दी जाएगी, वो भी फ्री में। तो आज की इस वीडियो में इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताऊंगा आप लोगों को, कैसे अप्लाई करते हैं, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे, कहां जाके अप्लाई करना है, सब कुछ बताऊंगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा डिपार्टमेंट ऑफ माइनॉरिटी की तरफ से ये नोटिफिकेशन इशू हुआ है, जहां पर आप लोग देख सकते हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशन आर हियर बाय इनवाइटेड टू 6th स्टैंडर्ड फॉर 90 मोरारजी देसाई रेसिडेंशियल स्कूल, यानी कि एप्लीकेशन ओपन हुए हैं किसके, मोरारजी देसाई स्कूल यानी कि वो रेसिडेंशियल स्कूल है जो कि 90 स्कूल्स है पूरे कर्नाटका में, और साथ में गवर्नमेंट मुस्लिम रेसिडेंशियल स्कूल यानी कि 4 गवर्नमेंट स्कूल्स हैं और 29 डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम रेसिडेंशियल स्कूल्स, ये सारे स्कूल्स में जो है ना ऑनलाइन एप्लीकेशन ओपन हो चुके हैं 6th से लेकर 10th तक। इसके लिए सिर्फ माइनॉरिटीज अप्लाई कर सकते हैं, माइनॉरिटीज जैसे कि मुस्लिम, क्रिश्चियंस, जैन, बुद्धिस्ट, सिख, पारसीस एंड SC ST एंड लास्ट में OBC। अब बात करें ऑनलाइन अप्लाई करने की डेट, 16 फरवरी से ही जो है ना ऑनलाइन अप्लाई करने की डेट चालू हो चुकी है और लास्ट डेट में बताऊं तो 15 मार्च तक चलने वाली है। अब बात करें ये स्कूल्स में आपको क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलेंगी, तो देखो ये मोरारजी देसाई स्कूल और बाकी के जो भी स्कूल्स मैंने मेंशन किए हैं दोनों तीनों स्कूल्स, उसमें आप लोगों को फ्री में स्कूल पढ़ाने के लिए जो है ना CBSE सिलेबस दिया जाएगा, वो भी फ्री में स्कूल पढ़ाया जाएगा आपके बच्चों को, और साथ ही में आप लोगों को रेसिडेंशियल यानी कि आप लोगों को वहाँ पे हॉस्टल फैसिलिटीज भी रहेगी गवर्नमेंट की तरफ से। तो अब जो लोग भी अप्लाई करना चाहते हैं कैसे अप्लाई करें अभी बताता हूँ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं sevasindhuservices.karnataka.gov.in, ये वाली वेबसाइट पे आपको चले जाना है। इस वेबसाइट की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे देता हूँ, आप लोग वहाँ से डायरेक्टली क्लिक करके ये वाली वेबसाइट पे आ सकते हैं। आने के बाद ये वाली वेबसाइट पे आप लोगों को कुछ इस तरीके से स्क्रीन के ऊपर दिखेगा, जहाँ पे आप लोगों को लॉगिन करने के लिए बोला जाएगा। अगर आपने पहले से ID अगर बना रखी है तो लॉगिन कर लेना अपना मोबाइल नंबर डालकर, अगर नहीं है तो न्यू यूज़र डालकर आप लोग रजिस्ट्रेशन करवा लेना, करवाने के बाद लॉगिन कर लेना। लॉगिन करने के बाद आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपका इंटरफेस ओपन हो जाएगा। लेफ्ट साइड में आप लोगों को ऑप्शन दिखेगा अप्लाई फॉर सर्विसेज, जैसे ही आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप लोग देख सकते हैं व्यू ऑल अवेलेबल सर्विस का उसके नीचे ही ऑप्शन आ जाएगा, उसके ऊपर आप लोगों को क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक कर देंगे आप लोगों के सामने ऐसा पेज ओपन हो जाएगा, यहाँ पे आप लोगों को सर्च का ऑप्शन मिलेगा ऊपर, वहाँ पर जाकर आप लोगों को स्कूल बोल के सर्च कर लेना है। जैसे ही स्कूल बोल के सर्च करेंगे आप लोगों के सामने देख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर माइनॉरिटी टू मोरारजी देसाई रेसिडेंशियल स्कूल, गवर्नमेंट मुस्लिम रेसिडेंशियल स्कूल और माइनॉरिटी मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल, ये इसका ऑप्शन आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा है तो उसके ऊपर आप लोगों को क्लिक कर लेना है। जैसे ही क्लिक करेंगे देख सकते हैं यहाँ पे आप लोगों को कुछ इस तरीके का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे आप लोगों को जो है ना एक सेल्फ डिक्लेरेशन डाउनलोड करने के लिए बोला जा रहा है। ये क्या है, स्पेशल कैटेगरी जो भी आती है आप लोगों की, तो उसको आप लोगों ये फॉर्म डाउनलोड कर लेना, जो भी आपकी कैटेगरी आती है वो फिलअप कर लेना, करने के बाद नीचे साइन कर देना तो बाद में अपलोड करने के लिए आपको काम में आ जाएगा। उसके बाद आप लोगों को ये फॉर्म फिलअप करने के लिए देख सकते हैं यहाँ पर राइट साइड में आप लोगों को एक ऑप्शन है प्रोसीड टू अप्लाई बोल के ग्रीन दिख रहा होगा, उसके ऊपर आप लोगों को क्लिक कर देना है तो आप लोगों के सामने आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पर आप लोगों को डिटेल्स पूछ रही है, फर्स्ट में जो डिटेल आप लोगों को पूछ रही है ये आपकी स्कूल की डिटेल पूछ रही है जो आप एडमिशन लेना चाहते हैं, जहाँ पर भी मोरारजी देसाई स्कूल है आप कौन से डिस्ट्रिक्ट में लेना चाहते हैं, कौन से जो है ना तालुक में लेना चाहते हैं, क्या सिलेबस पढ़ना चाहते हैं, आपका जो है ना रेसिडेंशियल स्कूल का नाम कौन सा है और आपका एग्ज़ाम सेंटर डिस्ट्रिक्ट आप कौन सा लेना चाहते हैं, ये सारी डिटेल वहाँ पर आप लोगों को पूछ रहा है तो आप वो लोग डिटेल भर लेना। उससे पहले आप लोग देख सकते हैं यू आर डोमिसाइल ऑफ कर्नाटका, जो फर्स्ट का ऑप्शन पूछ रहा है कि आप कर्नाटका से हैं तो आप लोगों को वो यस और नो पे सेलेक्ट करना है। उसके बाद नीचे आप लोग चले जाएंगे तो वहाँ पे आप लोगों को देख सकते हैं स्टूडेंट डिटेल पूछ रहा है, स्टूडेंट की फ़ोटो अपलोड करना है, SATS ID जो आपको प्रीवियस स्कूल से आप लोगों की मिल जाएगी, उसके बाद स्टूडेंट का नाम, स्टूडेंट का जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, उसके बाद आपका कौन सा स्टैंडर्ड है स्कूल में अभी फ़िलहाल, और स्कूल नेम आपका जो आपने पढ़ा है, और स्कूल एड्रेस आपका जो पुराना था, फिर डिस्ट्रिक्ट और ताल्लुक। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं नीचे आपका फादर नेम या मदर नेम आप लोग यहाँ पे इंटर कर उनका मोबाइल नंबर इंटर कर देना। उसके बाद देखेंगे तो आप लोगों को आपका एड्रेस पूछ रहा है, तो एड्रेस आपका यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, ताल्लुक कौन सा है, विलेज, स्ट्रीट, आपका हाउस नंबर, पिन कोड, ये आपका एड्रेस पूछ रहा है तो फिलअप कर देना।
उसके बाद नीचे देखिए कास्ट इनकम इन्फॉर्मेशन पूछ रहा है, तो आपका फर्स्ट रिलीजन पूछ रहा है वो सेलेक्ट कर लेना, कैटेगरी पूछ रहा है कौन सी कैटेगरी आती है वो चूज़ कर लेना, उसके बाद आप लोग जो है ना आपका इनकम का सर्टिफिकेट का नंबर फिलअप कर देना, उसके बाद कैटेगरी कास्ट, उसके बाद इनकम सर्टिफिकेट का नंबर, तो देख लेना कास्ट सर्टिफिकेट इनकम सर्टिफिकेट कुछ लोगों का सेम ही रहता है तो आप लोग सेम डाल सकते हैं, उसके बाद लास्ट में आपकी एनुअल इनकम कितनी है जो कि आपकी इनकम का सर्टिफिकेट पर रहेगी वो लोग यहाँ पे इंटर वो कर देना आप लोग। उसके बाद देख सकते हैं इस स्टूडेंट फिजिकली चैलेंज, यानी कि अगर आपका बच्चा जो है ना विकलांग है यानी कि लूला लंगड़े वगैरह कुछ है तो यस करना, नहीं है तो नो कर देना। उसके बाद नीचे देख सकते हैं आई हियर बाय सर्टिफाइड दैट द अबव पॉइंट्स आर ट्रू बोल के आप लोगों को आई एग्री पे क्लिक करना है, क्लिक कर आप लोग देख सकते हैं नीचे कैप्चा इंटर करना है, इंटर करके सबमिट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद अगर आप लोगों को कोई भी डिटेल छोटी मोटी पूछ रहा है तो वो फिलअप कर लेना, अगर डॉक्यूमेंट्स पूछेगा तो वो फिलअप कर लेना और बाद में सबमिट कर देना। तो इसी तरीके से आप अपना फॉर्म सबमिट कर सकते हैं, इस तरीके से आप अपना मुरारजी देसाई स्कूल के लिए एप्लीकेशन डाल सकते हैं। तो आई होप आपको सारी चीज़ें डिटेल में समझ में आ गई होगी। तो अगर कुछ भी डाउट है आप लोगों को तो ये नंबर दे रहा हूँ, खुद गवर्नमेंट ने ये नंबर दिया है आपके डाउट्स क्लियर करने के लिए, तो ये नंबर पर आप लोग कॉल कर लेना, कुछ भी जानकारी आपको चाहिए तो कॉल कर सकते हैं, कुछ आपको पूछना है, कुछ क्वेरीज हैं, कुछ डाउट्स हैं तो आप लोग सीधा डायरेक्टली ये नंबर पर कॉल कर अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, चैनल पर तो सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना ताकि वो लोग जाकर इस स्कीम में अप्लाई कर सके और अपने बच्चों को फ्री में पढ़ा सके। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।